हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू और सूजी के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है, आप इसको बहुत ही कम समय के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको आप ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, नॉर्मल पानी में धोकर ड्राई कर लिया था, अब पील कर लेंगे। अगर बड़ी साइज़ का आलू है तो आप एक आलू ले लीजिए। पील आप पीलर से या नाइफ से भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से पील कर लीजिए। तो ये आलू की बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। अब दोनों आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। जब भी आप कद्दूकस करें तो थोड़े से बड़े छेद वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से दोनों आलू को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से धोकर दूसरे बाउल में निकाल देंगे। जब तक इसमें से स्टार्च नहीं निकल जाते हैं तब तक इसको वॉश करना है, यानी इसको धोना है। तो ये जो स्टार्च का पानी है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। अब फिर से इसमें पानी ऐड करेंगे और धो लेंगे। करीब 3 से 4 बार धोना है जिससे इसमें जो स्टार्च है वो निकल जाए। पानी में अच्छी तरह से धो दिया है, धोने के बाद छलनी में रख दिया था जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद बाउल में निकाल दिया है और अब बाउल को साइड में रख देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, आधा ही चम्मच राई ऐड करेंगे। दोनों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। गैस फ्लेम को अब लो कर देंगे। 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे प्याज जले नहीं और एक जैसा कलर आए। प्याज करीब करीब गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं, अब इसमें 1 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़े से प्याज के साथ भून लेंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, स्पाइसी अगर आपको कम पसंद है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मेजरमेंट कप से 2 कप पानी ऐड करेंगे। थोड़े से चॉप किए हुए हरे धनिया, 1/2 चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद पानी को हाई गैस फ्लेम पे बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, अब इसमें ग्रेट किए हुए आलू ऐड करेंगे। हाफ कुक होने तक बॉईल करेंगे, यानी करीब 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे, क्योंकि आलू ग्रेट किए हुए हैं बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। आलू को अब चेक करेंगे तो आलू हाफ कुक हो गया है, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अब इसमें मेजरमेंट कप से 1 कप सूजी ऐड करेंगे, यानी जितनी सूजी ली है उसकी डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करना है। धीरे धीरे करके सूजी को डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे जिससे अच्छी तरह से मिल जाए और इसके अंदर कांठे नहीं पड़े। उसके बाद लो गैस फ्लेम पे पकने देंगे। सूजी ऐड करने के बाद धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, सूजी ने पानी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया है। अब इसको ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए तो अब आलू और सूजी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे।
थाली में ब्रश से ग्रीस कर लेंगे, जिससे निकालने के अंदर आसानी हो। आप जमाने के लिए किसी भी ट्रे या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिक्सचर को थाली में डाल देंगे और स्प्रेड कर लेंगे, यानी फैला लेंगे। आप थाली की जगह ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ट्रे में जमाएंगे तो काटने के अंदर आसानी रहेगी और कम से कम वेस्टेज होगा। कटोरी पे थोड़ा सा ऑयल लगाया है और इसको समतल कर लेंगे। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है, तो अच्छी तरह से जम गई है। अब नाइफ से स्क्वायर शेप में काट लेंगे। जो साइड में है उसको भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको 1:2 यानी ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं और इस तरह से भी काट सकते हैं। तो सारे काट के प्लेट के अंदर रख देंगे। पैन में फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके फ्राई करने के लिए डालेंगे। जैसे ही हम फ्राई करने के लिए डालते हैं तो थोड़े वक्त के लिए फ्राई होने दें, उसके बाद ही इसको पलटें। अगर आप डालते ही झारे या पलटे से मिक्स करेंगे तो टूट जाएंगे। तो अब कटलेट हल्के से फ्राई हो गए हैं और अब झारे से दूसरी तरफ पलट लेंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। लो गैस फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब निकाल देंगे और उसके बाद टिश्यू पेपर पर रख देंगे, जिससे इस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छी तरह से पेपर में अब्जर्व हो जाए। तो इस तरह से सारे कटलेट्स को फ्राई करना है। तो अब सूजी और आलू के कटलेट्स बनकर तैयार है। आप इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसको ब्रेकफास्ट या स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। आप इसको फ्राई करने से पहले फ्रीजर के अंदर कम से कम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी चाहे इसको आप फ्राई कर लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।